हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट चैनल। दोस्तों, कुश्ती यानी रेसलिंग से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। जैसा कि यह कुश्ती के रूल्स एंड मेजरमेंट से रिलेटेड दूसरा पार्ट है, वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, सभी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। एंड दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मेरे चैनल पर सभी वीडियो चैप्टर वाइज थ्योरेटिकल एंड एमसीक्यूज दोनों रूप से पूरा किए गए हैं और डेली बेसिस पे एमसीक्यूज क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी कराया जा रहा है। तो बेहतरीन तैयारी के लिए मेरे चैनल पे डेली विजिट कीजिए और फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों कि वर्तमान समय में कुश्ती का प्रत्येक मुकाबला कितने मिनट का होता है। तो वर्तमान समय में कुश्ती का प्रत्येक मुकाबला 6 मिनट का होता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, और 6 मिनट का होता है। बट यह 6 मिनट का जो प्रत्येक मुकाबला है, यह 3-3 मिनट के 2 भागों में बांटा गया है और बीच में जो मध्यांतर यानी मध्य रेस्ट होता है वह 30 सेकेंड का होता है। यानी कि पूछेगा कि एक मुकाबला यानी प्रत्येक मुकाबला कितने मिनट का होता है, तो 6 मिनट का, ठीक है। और कितने कितने मिनट का होता है, तो 3-3 मिनट के 2 राउंड होते हैं और दोनों राउंडों के बीच 30 सेकेंड का रेस्ट होता है। नेक्स्ट है, स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन ने ओवर द एज के 1998 एडिशन में किसके साथ कुश्ती की थी। तो किसके साथ किया था, ड्यूड लॉ के साथ, जिसमें कौन विजयी हुआ था, ऑस्टिन विजयी हुए थे। नेक्स्ट है, निम्न में से किस खेल का उल्लेख पौराणिक ग्रंथों में भी मिलता है। तो कुश्ती का मिलता है दोस्तों, जैसे कि कुश्ती पूरे विश्व में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है और यह इंड्योरेंस यानी कि दमखम को प्रदर्शित करता है। एंड जैसे कि भारत में रामायण महाभारत में कुश्ती पर्याप्त देखने को मिलता है, जैसे कि बाली सिगरी का युद्ध, भीम दुर्योधन का युद्ध, तो इससे आप पता लगा सकते हैं पुराणों में इसका उल्लेख मल्ल क्रीड़ा के रूप में मिलता है। नेक्स्ट है, सुशील कुमार किस खेल से संबंधित है। जैसा आप सब लोग जानते हैं कि सुशील कुमार कुश्ती से रिलेटेड है और इन्होंने 2008 बीजिंग चीन में कांस्य पदक 66 केजी भार वर्ग में जीता एंड 2012 के लंदन ओलंपिक में रजत पदक जीता। इस प्रकार ये ओलंपिक में लगातार 2 ओलंपिक मुकाबलों में व्यक्तिगत पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने। और दोस्तों, ये 2014 के राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त किए एंड 2018 में संपन्न हुए राष्ट्रमंडल खेलों में भी 74 किग्रा फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। जैसा कि दोस्तों, कुश्ती खेल में ओलंपिक में अभी तक कौन कौन खिलाड़ी ने ओलंपिक पदक जीता है, इसका मैं डिटेल करना चाहूंगी 1 मिनट के अंदर। जैसा कि सबसे पहले केडी जाधव जी 57 केजी भार वर्ग में 1952 हेलन्स की फिनलैंड में कांस्य पदक जीता था और ये एकल प्रतियोगिता में भारत की तरफ से प्रथम विजेता पदक विजेता बने। और फिर सुशील कुमार 2008 के बीजिंग चीन में कांस्य पदक 66 केजी भार वर्ग में जीते एंड सुशील कुमार ही 2012 लंदन ओलंपिक में रजत पदक जीते एंड 2012 में योगेश्वर दत्त थे जो 60 केजी भार वर्ग में 2012 लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीते एंड साक्षी मलिक जो है 2016 रियो ओलंपिक में 58 केजी फ्री स्टाइल भार वर्ग में कांस्य पदक जीता और भारत प्रथम भारतीय महिला रेसलर बनी। और दोस्तों, रवि कुमार दहिया और
भार वर्ग में रजत पदक जीते 2020 टोक्यो ओलंपिक में, यानी कि 2020 टोक्यो ओलंपिक में दो पदक कुश्ती में भारत की तरफ से मिला था। उसने अचीव किया था कौन कौन, रवि कुमार दहिया 57 kg भार वर्ग में रजत पदक एंड बजरंग पुनिया 65 kg भार वर्ग में कांस्य पदक 2020 टोक्यो ओलंपिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अखाड़ा किस खेल से संबंधित है। जैसा आप सब लोग जानते हैं अखाड़ा कुश्ती से रिलेटेड है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि दोस्तों जब प्रतिद्वंदी खिलाड़ी के दोनों कंधे मैट पर छू जाते हैं या लग जाते हैं तो रेफरी क्या बोलता है। तो इस कंडीशन में रेफरी उसको टच बोलता है, इसे फाल भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बाउट के पश्चात खिलाड़ी को अगली बाउट लड़ने के लिए कितने मिनट का रेस्ट दिया जाता है, तो 15 मिनट का। जैसा कि जानते हैं दोस्तों एक बाउट इसमें यानी एक मुकाबला 6 मिनट का होता है। एक मुकाबले यानी कि एक बाउट के पश्चात अगली बाउट के लिए उसको 15 मिनट का रेस्ट दिया जाता है। नेक्स्ट है एक राउंड कितनी अवधि का होता है, तो कुश्ती में एक राउंड जो है 3 मिनट का होता है। जैसा कि 3-3 मिनट के दो राउंड होते हैं, ठीक है, एक राउंड कितनी अवधि का होता है 3 मिनट का, और एक बाउट कितनी अवधि का होता है 6 मिनट का। तो एक बाउट 6 मिनट का होता है जो 3-3 मिनट के दो राउंड में संपन्न होता है। नेक्स्ट है एक राउंड के बाद कितना मध्यांतर दिया जाता है, तो 30 सेकेंड। नेक्स्ट है कितने अंक का अंतर होने पर खिलाड़ी को विजयी घोषित कर दिया जाता है, तो 7 पॉइंट का अंतर होने पर खिलाड़ी को विजयी घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है रेफरी के टच का उच्चारण करने के पश्चात विजयी खिलाड़ी को कितने अंक दिए जाते हैं, तो 5 पॉइंट दिया जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से कुश्ती की बाउट जीतने के संबंध में क्या गलत है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है कि टच करने वाला बाउट जीतता है, ए राइट है, एंड बी है चोट लगने के पश्चात आगे ना खेलने पर प्रतिद्वंदी विजेता हो जाता है। ठीक है, चोट लगने के बाद किसी खिलाड़ी ने कहा आप नहीं खेलेंगे, तो जो प्रतिद्वंदी होता है उसको विजयी घोषित कर दिया जाता है। एंड सी है 7 अंक बनने के पश्चात या दोनों राउंड में जिसके अंक ज्यादा होते हैं वही विजयी होता है, ये भी राइट है। डी है बराबरी पर टॉस जीतने वाला विजयी होता है, ए आपका रॉन्ग है, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, और इसके अलावा ए बी सी जो है वो राइट है। नेक्स्ट है ग्रीको रोमन कुश्ती में दूसरे राउंड के 3 मिनट की समाप्ति पर अंक 0-0 हो तो विजयी किसे घोषित किया जाता है, तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा कि कुश्ती के आखिरी राउंड में जो सबसे सक्रिय रहा हो उसको विजयी घोषित कर दिया जाता है। नेक्स्ट है एक बाउट के पश्चात खिलाड़ी को अगली बाउट लड़ने के लिए कितने मिनट का रेस्ट दिया जाता है, तो 15 मिनट का। नेक्स्ट है कुश्ती के बाउट के लिए खिलाड़ी के लिए पुकार कितने बार व कितने सेकेंड के पश्चात की जाती है, तो उसको 3 बार बुलाया जाता है और 30-30 सेकेंड के पश्चात, यानी 3 काल, काल मतलब यहाँ पे बुलाना है, ठीक है, पुकार करना है, तो 3 काल 30-30 सेकेंड के पश्चात। नेक्स्ट है बाउट दोनों खिलाड़ियों को हाथ मिलाते हुए कौन शुरू करता है, तो रेफरी शुरू करता है। नेक्स्ट है कुश्ती के खेल के अंत में लॉटरी के रूप में
बैग में दो गेंदों का प्रयोग कब किया जाता है? तो बाउट बराबर होने पर किया जाता है, ठीक है। यानी कि अगर किसी राउंड में 2 मिनट की कुश्ती यानी कि बाउट होने तक किसी को कोई अंक ना मिले तो सुरक्षात्मक यानी कि डिफेंडिंग खिलाड़ी को पेसिविटी नियम के अंतर्गत 30 सेकेंड का समय दे दिया जाता है एक अंक लेने के लिए, अन्यथा अटैकर को एक अंक दे दिया जाता है, ठीक है। यानी कि 2 राउंड में कुश्ती होने पर किसी को कोई अंक नहीं मिला तो सुरक्षात्मक को पेसिविटी नियम के अंतर्गत 30 सेकेंड दिया जाता है। अगर 30 सेकेंड के अंतर्गत वो एक अंक नहीं बनाया, एक भी अंक कोई अंक नहीं बनाया, तो जो अटैकर है उसको एक अंक दे दिया जाता है। नेक्स्ट है पेसिविटी रूल के अंतर्गत अंक अर्जित करने के लिए पेसिव खिलाड़ी को कितना समय दिया जाता है? तो उसको 30 सेकेंड का समय दिया जाता है। नेक्स्ट है पेसिविटी नियम के अंतर्गत 30 सेकेंड में अगर पेसिव खिलाड़ी अंक नहीं बनाता तो निर्णय क्या होगा? तो निर्णय क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे दूसरे खिलाड़ी को एक अंक दिया जाता है। नेक्स्ट है अगर 2 राउंड की बाउट होने के पश्चात दोनों खिलाड़ियों के अंक बराबर हो जाए यानी कि टाई हो जाए, इसके नियम के अंतर्गत निर्णय किस आधार पर लिया जाता है? यानी कि 2 राउंड हुआ, एक बाउट में 2 राउंड होता है 3-3 मिनट का, तो 2 राउंड हो गया, एक बाउट हो गया, उसके पश्चात दोनों खिलाड़ियों का जो अंक है बराबर यानी कि टाई हो गया, तो इस नियम के अंतर्गत किस आधार पर निर्णय लिया जाएगा दोस्तों? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी, यानी कि ए है आपका जिसने अधिक बार अगर टाई हो गया एक बाउट के पश्चात 2 राउंड के पश्चात, तो जिसने अधिक बार 5 अंक अर्जित किए हों वह विजयी होता है। अगर वो भी 5 अंक भी बराबर हो जाए तो 3 अंकों की संख्या देखी जाती है, अगर 3 अंक भी बराबर हो जाए तो 2 अंक देखे जाते हैं, और अंत में इसमें भी बराबर हो जाए 2 अंक में भी, तो आखिरी अंक अर्जित करने वाला विजयी होता है। इस प्रकार उपरोक्त सभी ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है अगर किसी खिलाड़ी के 4 अंक हो और दूसरे का 0 अंक हो और दूसरा किस खिलाड़ी एक मुफ्त मेजर टेक्निकल होल्ड करके 5 अंक ले ले, तो निर्णय किसका, निर्णय क्या होगा? तो यहाँ पे 5 अंक प्राप्त करने वाला खिलाड़ी विजयी होगा। यानी कि दोस्तों 5 अंक एक साथ अर्जित करने वाला खिलाड़ी लीड होना चाहिए, नहीं तो अन्यथा कुश्ती आगे चलेगी। नेक्स्ट अगर कोई खिलाड़ी एक मुश्त 2 बार 3 अंक बना चुका हो और लीड कर रहा हो तो निर्णय क्या होगा? एक मुश्त 3 अंक बना चुका हो और लीड कर रहा हो तो निर्णय क्या होगा? तो निर्णय होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 2 मुश्त 3 अंक वाला खिलाड़ी विजयी होगा। नेक्स्ट है फिला रेसलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में कितने भार वर्ग होते हैं? तो फीफा रेसलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में 8 भार वर्ग होते हैं। नेक्स्ट है विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाला प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो सुशील कुमार, ठीक है, इसको याद रखिएगा, विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाला प्रथम भारतीय खिलाड़ी सुशील कुमार है। नेक्स्ट है विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाला प्रथम खिलाड़ी भारतीय कौन है? तो हवलदार उदय चंद। नेक्स्ट है राष्ट्रमंडल खेलों में यानी कि कॉमनवेल्थ गेम में सर्वप्रथम स्वर्ण पदक जीतने वाला भारतीय पहलवान कौन है? तो कौन है? लीला राम। कौन है? लीला राम। नेक्स्ट है सर्वप्रथम ग्रीको रोमन विश्व चैंपियनशिप में
पदक जीतने वाला भारतीय कौन है? तो संदीप यादव, ग्रीको रोमन विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाला भारतीय कौन है? संदीप यादव। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने फ्री स्टाइल विश्व चैंपियनशिप में महिला वर्ग में पदक जीता है? तो गीता फोगाट, बबीता, अलका तोमर, इन सभी ने फ्री स्टाइल विश्व चैंपियनशिप में महिला वर्ग में पदक जीता है। नेक्स्ट है, कुश्ती में ओलंपिक हेतु क्वालिफाई करने वाली प्रथम महिला फ्री स्टाइल खिलाड़ी कौन है? तो ये है गीता फोगाट, जो रियो ओलंपिक 2016 में कुश्ती के लिए ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली प्रथम महिला बनी थी। और उसके बाद और उसी में साक्षी मलिक जो है 2016-58 केजी में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला रेसलर बनी थी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। कुछ क्वेश्चन ज्यादा ही लंबा चौड़ा हो गया था और उसको भी आपको समझना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है, इसलिए कोई भी रूल आपको जानना आवश्यक है। तो जो इम्पोर्टेंट है उसको तो अवश्य पढ़ना चाहिए, तो आप सभी इम्पोर्टेंट चीज़ों को छाट लीजिए। तो दोस्तों इसी तरह आगे वीडियो जानने के लिए डेली बेसिस पे आप वीडियो को वॉच करते रहिए, और जितने भी अभी खेल से रिलेटेड क्वेश्चंस बाकी हैं उससे पूरा करने के पश्चात प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन सेट हैं दोस्तों, उस सबको मैं स्टेप बाय स्टेप हल कराऊंगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।